दोस्तों, मैं वैभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के द एनालाइजर पर। गाइस, जैसा कि आपको आइए चलते हैं सीधे एग्जाम सेंटर से और बात करते हैं स्टूडेंट से कि कैसा रहा डिफिकल्टी लेवल, कैसे रहे उनके पेपर के पैटर्न। व्हाट्स योर नेम? नैना। अच्छा नैना मैम, कैसा रहा रीजनिंग और मैथ, कैसा लेवल था? मतलब लेवल तो ठीक था, शायद और थोड़ी तैयारी की होती तो मैं शायद क्लियर कर सकती। ओवरऑल कितना किया आपने टोटल? वैसे ओवरऑल तो मेरे 10 अनअटेम्प्टेड रह गए और हो सकता है कि कुछ गलत वगैरह हो। मैथ मैथ में डीआई कैसा था मैम? क्या डीआई कैसा था मैथ में? ठीक था सर, मतलब ऐसा ही लगा कि मेरे को बहुत टफ लगा, सही था मतलब मेरी सपोर्ट। और रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग भी ठीक था। पजल आपने कर लिया, सारे अटेम्प्ट कर लिए पजल? हाँ सारे अटेम्प्ट किए, बट कहीं कहीं मैं कंफ्यूज भी हो गई थोड़ा बहुत ही, बट ठीक था। मतलब जैसे एक क्वेश्चन था न्यूमेरिक, मतलब सिंबल और एलिमेंट्स में, इन सब में कंफ्यूज हो गई। ये एलिमेंट सबको ही कहना चाहते हैं, कैसा कहना चाहते हैं वो समझ नहीं आया। और सिलॉग कैसा रहा, इजी था या फिर कॉम्प्लिकेटेड थे, मॉडरेट थे? मतलब नहीं सही था, मतलब बच्चों के लेवल के हिसाब से ठीक था पेपर। मतलब थैंक यू नैना। आपके आपका नाम क्या है? सुरेश शर्मा। आप एक्स सर्विस में? हाँ जी। अच्छा, तो आपका कैसा रहा टोटल ओवरऑल पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा था, इजी था और डूएबल था पेपर। और मैथ में कितने किए आपने? मैंने 32। तो मैथ इजी टू मॉडरेट था या इजी? और रीजनिंग? रीजनिंग को मैं बोलूंगा मॉडरेट, मॉडरेट था मेरे लेवल से। अच्छा, रीजनिंग में कुछ नया मिला आप? जो पैटर्न हम करते आ रहे हैं वही था। पजल आए थे। पजल कैसे थे सर? पजल थोड़े ट्रिकी थे बट अच्छे थे। और मैथ्स में क्या था? नंबर सीरीज मिसिंग नंबर। डीआई डे दो डीआई थे। अच्छा, तो ओवरऑल आपको लग रहा आपका आपको चांस है मे बी इस बार हो जाए? गॉड नोस। आपका नाम क्या है? सतीश गिल। अच्छा सतीश गिल सर, आप अभी एक सर्विस में? जी हां। ओके, अच्छा लगता है कभी-कभी एक सर्विस मैन से बात। अच्छा पढ़ते भी हैं आप? अच्छा ओके। मैथ में कैसा रहा? मैथ में सर 28 अटेम्प्ट रहा। 28? ओके सर, क्या बात। कर पाया सर, मैथमेटिक टच नहीं कर पाया। अच्छा, और रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग में एक पजल छूट गया सर, बाकी इजी था, एक पजल छूटा है। अच्छा, और रीजनिंग में और सिलॉग आया था? सिलॉग आया था सर, 5 नंबर का। इजी आला, इजी लेवल था, नॉर्मल था। अच्छा, स्टेटमेंट रहता ना हमारा, लास्ट वाला स्टेटमेंट पहले बनना चाहिए, वो उल्टा करके दे रखा था। नहीं, जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं, वो स्टेटमेंट लास्ट में है। अच्छा, सारे तो थोड़ा ट्रिकी था इसमें। और नंबर सीरीज आया? नंबर सीरीज आया था, मिसिंग नंबर था सर, इजी था। अच्छा, और व्हाट प्रॉब्लम आया था मैथ में, कैसे थे, टफ थे या इजी? मैं नहीं कर पाया सर, क्योंकि टाइम मैं 17 मिनट रह गई तभी मैथ में घुसा था मैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने कैंडिडेट से बात की और अलग अलग कैंडिडेट के अलग अलग ओपिनियन रहे, कुछ का कहना था मैथ इजी था, कुछ का कहना था रीजनिंग इजी था। दोस्तों फटाफट आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं, बात करते हैं मैथ और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और क्या लेवल रहा इनका। तो दोस्तों अगर हम मैथ की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैथ में हमको 10 क्वेश्चन देखने को मिले डीआई से, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से, 12 से 13 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से दोस्तों, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और गाइस वर्ड प्रॉब्लम से 12 से 13 क्वेश्चन। अगर हम यही रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन अगर यहाँ पे बात करें, 15 क्वेश्चन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से आए थे, जो कुछ का ये कहना था कुछ बॉक्स के ऊपर बेस्ड थे, कुछ अलग 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 पैटर्न पर थे। गाइस ब्लड रिलेशन की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, सिलॉगिज्म से 5 क्वेश्चंस आए हुए, इनइक्वालिटी से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला। और वहीं पर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आए थे कोडिंग डिकोडिंग से। और गाइस डायरेक्शन टेस्ट की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए थे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से। और मिसलिनियस की बात करें तो मिसलिनियस 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला। सो दोस्तों ये उनके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, जिनका एग्जाम 14 तारीख को होने वाला है। सो गाइस आप जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।